कर्माणि जिजीविषेत् सतम समा एवं त्वयिनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। वन मे एस्पायर टू लिव फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स इफ ही कंटिन्यूअसली गोज ऑन वर्किंग इन दैट वे, फॉर दैट सॉर्ट ऑफ वर्क विल नॉट बाइंड हिम टू द लॉ ऑफ कर्म। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू दिस वे फॉर मैन। तो पिछले श्लोक में कहा गया था कि ईशावास प्रिंसिपल बताया गया था कि ईश्वर सब चीजों के नियंत्रण करने वाले और स्वामी है, और ये समझ के उनसे दिया हुआ चीज को हमें ग्रहण करना चाहिए, दूसरे की चीजों को लोभ नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में कह रहे हैं कि अगर कुर्वन एव है कर्माणि, अगर कोई इस प्रकार कर्म करता रहेगा, कुर्वन इव है कर्माणि, इस प्रकार अगर कोई कर्म करता रहेगा, इस भावना से अगर कोई कर्म करता रहेगा, तो वो जिजीविषेत् सतम समा, वो 100 साल जीने की इच्छा रख सकता है, 100 साल जी सकता है। अगर लॉन्ग लाइफ जिसता फिर भी उसको कोई कर्म का बंधन नहीं होगा, 100 साल अगर जिएगा और सब कर्म करेगा फिर भी कर्म का बंधन नहीं होगा, अगर ईशावास्य चेतना से कर्म करता रहे। एवं तो नानते तो अस्ति न कर्म लिप्यते न, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कि एक ही एकमात्र मार्ग है ईशावास्य प्रिंसिपल, जिससे अगर कर्म करेंगे तो बंधन नहीं होगा, नहीं तो कर्म हमको बंधन में बांध देगा। तो आइए इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रभुपाद कहते हैं कि किसी व्यक्ति का मरने का इच्छा नहीं होता है, कोई मरना नहीं चाहता है, जितना भी दिन हो सकता है वो जीने का प्रयास करता है, जितना ज्यादा जीने की इच्छा करता है। तो इस श्लोक में कहा जा रहा है अगर आपको 100 साल जीना है तो फिर 100 साल भी जिए, कोई बात नहीं, जितना जीना जिए, लेकिन ऐसे कदम करिए कि 100 साल जीने के बाद बंधन नहीं पड़े। जैसे सब लोग बोलते ना 100 साल जीने का आशीर्वाद देते हैं, तो ईशावास्य उपनिषद भी 100 साल जीने का आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन कैसे जीना है, ठीक से जीना है ताकि बाद में बंधन नहीं हो, ये बात इस बात बताई जा रही है। आत्मा कर्म करने के बाद बंधन होता है और एक शरीर से दूसरे शरीर में अपने कर्म को भोगने के लिए जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, ये ट्रांसमाइग्रेशन क्या है, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, दूसरे से तीसरे शरीर में प्रवेश करता है, एक की बात है कि जो शरीर को बदलाना यह है ट्रांसमाइग्रेशन, और इसको कहते हैं कर्म बंधन। तो इस कर्म बंधन से बचने के लिए क्या करना है वो आगे बताया जा रहा है। तो सब 84 लाख योनियों में, सब योनियों में भी ये जन्म मृत्यु का चक्र बना हुआ है, लेकिन केवल मानव शरीर ऐसा है जिसमें वहां पर एक चांस है जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का। तो 3 प्रकार के कर्म है जो मनुष्य करता है, दूसरी योनियों में कर्म और कर्म फल का विचार नहीं होता है। जैसे कल हमने सुना था कि अगर बाघ मांसाहार करता है उसको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो उनका उनका वही खाना भगवान ने दिया। तो दूसरी योनियों में कर्म फल के विचार नहीं होते, लेकिन मानव शरीर में
कर्म के विचार होते हैं। तो तीन प्रकार के कर्म है, कर्म, अकर्म और विकर्म। तीन प्रकार कर्म, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म, अकर्म, विकर्म क्या है, ध्यान से देखें। एक्शंस दैट आर परफॉर्म इन टर्म्स ऑफ वंस प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज एज मेंशन्ड इन द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स आर कॉल्ड कर्म। तो कर्म क्या है, जो कर्तव्य कर्म, हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी, मतलब कर्तव्य कर्म जो शास्त्रों में निर्धारित किए गए हैं, शास्त्रों के द्वारा जो बताए गए, अनुमोदन किए गए हैं, वो कर्म करते हैं, उसको कहते हैं कर्म। शास्त्रों के द्वारा बताए गए कर्म, वो हमारा कर्तव्य और ड्यूटी है। इसके बाद अकर्म क्या है, एक्शंस दैट फ्री वन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ आर कॉल्ड अकर्म। अकर्म मतलब जो कर्म करने से जन्म और मृत्यु के चक्र से आत्मा बाहर निकल जाएगा, उस कर्म को कहते हैं अकर्म। इसका मतलब जो पहले जो बताया गया कर्म शास्त्रों के अनुसार करना, उसमें बंधन है, कर्तव्य कर्म पालन करना शास्त्रों के अनुसार उसमें बंधन है, और जो कर्म बांधते नहीं है वो अकर्म। एंड एक्शंस दैट आर परफॉर्म थ्रू द मिसयूज ऑफ वंस फ्रीडम एंड दैट डायरेक्ट वन टू लोअर लाइफ फॉर्म्स आर कॉल्ड विकर्म। जो काम, जो कर्म हमारे क्षुद्र स्वतंत्रता, स्वाधीनता का अपव्यवहार करके शास्त्र के विरोधी कर्म का आचरण करना, जिसे निम्न योनियों में जाना पड़ता है, उसको विकर्म कहते हैं। तो कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म हो गया शास्त्र के अनुमोदित कर्म, जो हमारे कर्तव्य के हिसाब से हम करते हैं, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है वो। और अकर्म, जैसे कर्म जिसको करने से जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाएंगे, और विकर्म शास्त्र के विरोधी कर्म, जो हमारे स्वतंत्रता को अपव्यवहार करके हम अपनी मर्जी से कुछ, मन मर्जी से जो काम करते हैं। Of these three types of action, that which frees one from the bondage of karma is preferred by intelligent men. तो बुद्धिमान व्यक्ति तीन में से कौन सा करना चाहेगा, कर्म, अकर्म और विकर्म, बुद्धिमान को क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद बुद्धिमान क्या करेगा, जो कर्म हमें जन्म मृत्यु के चक्र से फ्री कर दे, मुक्त कर दे, वो कर्म करते बुद्धिमान। वो कौन सा है, अकर्म। तो अकर्म करता है बुद्धिमान व्यक्ति। अच्छा, ऑर्डिनरी मैन विश टू परफॉर्म गुड वर्क इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड अचीव सम हायर स्टेटस ऑफ लाइफ इन दिस वर्ल्ड एंड और इन हेवन। साधारण आदमी, साधारण मनुष्य, जन साधारण क्या करना चाहते हैं, गुड वर्क, अच्छे काम करना चाहते हैं, अच्छा काम करके अच्छा बनना चाहते हैं। क्यों अच्छा बनना चाहते हैं, तो सोसाइटी में थोड़ा अच्छा इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, सोसाइटी में अच्छा इमेज, हायर स्टेटस बनाना चाहते हैं, और नहीं तो मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाना चाहते हैं। तो ये जो कर्म है वो कर्म कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये गुडनेस में है, ये सतोगुण में है, ये कर्म की कैटेगरी में आता है, इसमें बंधन है। तो मोस्टली जितने भी सो कॉल्ड अच्छे लोग हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं, वो सब अच्छे कर्म करना चाहते हैं और अच्छा बनना चाहते हैं, और इस तरह से समाज में एक अच्छा इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, और जिससे उनको समाज में अच्छा मान सम्मान मिल जाए, और इसलिए इनका जो कर्म है वो गुडनेस में है, क्योंकि अच्छा, अच्छा वर्ड गुडनेस से आता है। तो गुडनेस का जो वर्क है मतलब सतोगुण में है, और सतोगुण हमेशा बंधन का कारण है, क्योंकि
ओनली तीन गुणों के ऊपर त्रिगुणातीत कर्म, जो विशुद्ध सत्व गुण में जो कर्म किए जाते हैं, वही कर्म केवल हमको बंधन से मुक्त कर सकते हैं, लेकिन सत्वगुण के कर्म भी हमें बंधन से मुक्त नहीं कर सकते। इसलिए जितने भी तथाकथित अच्छे लोग व तथाकथित जो चेतना में ऊंचे हैं, वो सभी लोग प्राय देखा जाता है कि ये गुड वर्क करने में फंसे रहते हैं, गुड इमेज बनाने में फंसे रहते हैं और सत्वगुण में फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा बंधन से मोक्ष नहीं हो पाता है। उनको बंधन के चक्कर में, जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधे रहते हैं, फंसे रहते हैं संसार में। बट मोर एडवांस्ड मैन वॉन्ट टू बी फ्री ऑल टूगेदर फ्रॉम द एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ वर्ल्ड। लेकिन जो एडवांस व्यक्ति हैं, जो ऊंचे स्तर पे हैं, वो संपूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाना चाहता है। इंटेलिजेंट मैन वेल नो दैट बोथ गुड एंड बैड वर्क इक्वली बाइंड वन टू द मटेरियल मिजरीज। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि अच्छे कर्म चाहे बुरे कर्म, दोनों हमको संसार में बांधने वाले हैं। बुरे कर्म जिस तरह हमें नीचे ले जाने वाले हैं, अच्छे कर्म हमें हाई स्टेटस प्रदान करेंगे, लेकिन वो बंधन है। चाहे सोने की जंजीर में बंधे हों, चाहे लोहे की जंजीर में बंधे हों, बंधन तो बंधन है, कोई भी जंजीर क्यों ना हो। इसलिए ये अच्छे कर्म गुडनेस में आता है, सत्वगुण में आते, वो बांधने वाले कर्म है। तो बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे और मंदे कर्म में नहीं लगते हैं, वो ऐसा कर्म करना चाहते हैं कि संसार से मुक्त हो जाए। तो ऐसे कर्म ईशोपनिषद में बताए गए हैं, वो कर्म कैसे करने हैं। द इंस्ट्रक्शन ऑफ श्री ईशोपनिषद आर मोर एलाबोरेटली एक्सप्लेन्ड इन भगवद गीता, समटाइम्स कॉल्ड गीतोपनिषद, The cream of all the Upanishads। ईशोपनिषद के उपदेश भगवत गीता में और अच्छी तरह से समझाए गए, दिए गए हैं, और गीतोपनिषद समस्त उपनिषदों का सार माना जाता है। सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थ वत्स सुधीर मुक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। समस्त उपनिषद गाय स्वरूप है और गीता वो गाय का दूध है, सब उपनिषदों का सार है, इसलिए उसका नाम है गीतोपनिषद। तो गीता में बताया गया है कि किस प्रकार कर्म करने से, इन द भगवद गीता द पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज सेड दैट वन कैन नॉट अटेन द स्टेट ऑफ निष्कर्म विदाउट एग्जीक्यूटिंग prescribed duties mentioned in the Vedic literature. This literature can regulate the working energy of human being in such a way that he can gradually realize the authority of the Supreme Being. Bhagavad Gita में कहा गया है कि शास्त्रों के अनुसार कर्म किए बिना हमें निष्कर्म व अकर्म प्राप्ति नहीं हो सकती है। अकर्म प्राप्ति करने के लिए शास्त्रों के अनुसार कर्म करना जरूरी है, और भगवद गीता में वो बताया गया कि कैसे शास्त्र के अनुसार कर्म करते हैं, जिससे पता चले कि भगवान सब कर्म के पीछे हैं। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपदते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों के बाद ज्ञान और कर्म की प्रैक्टिस करके जब कोई जानता है कि वासुदेव कृष्ण ऑल इन ऑल है, तब ही इज अचीव द स्टेज ऑफ पॉजिटिव नॉलेज, तब उसको ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो इस विशुद्ध सत्व में जब कोई कर्म करता है, जो निष्काम कर्म व अकर्म करता है, उस अकर्म करने वाले प्लेटफॉर्म में गुडनेस पैशन एंड इग्नोरेंस कैनॉट एक्ट। सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण वहां पर काम नहीं करते हैं। तीन गुण के ऊपर चला जाता है आत्मा, तो भक्त तीन गुण के ऊपर काम करता है। वास्तव में
भगवान की भक्ति करने के बिना और कोई हमारा काम नहीं है। हमारा एकमात्र आत्मा का काम है भगवान की भक्ति करना। एक्चुअली नो वन हैज टू डू एनीथिंग मोर देन रेंडर डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। भगवान के प्रति भगवत भक्ति का अनुशीलन करने के अलावा हमारा कुछ भी कर्तव्य नहीं है। बट हाउएवर इन द लोअर स्टेजेस ऑफ लाइफ वन कैन नॉट इमीडिएटली अडॉप्ट एक्टिविटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस नॉर कैन वन कंप्लीटली स्टॉप फ्रूटी वर्क। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोअर निम्न स्तर में निम्न चेतना में जब हम रहते हैं मनुष्य तो इमीडिएटली भगवान की भक्ति हम नहीं कर पाते और सकाम कर्म को छोड़ भी नहीं पाते। सकाम कर्म में भी मन लगा हुआ है और भक्ति भी करना चाहते हैं, इस तरह की अवस्था रहती है। तो उनके लिए ये ईशोपनिषद एक मिडल सॉल्यूशन बता रहा है। A conditioned soul is accustomed to working for sense gratification, for his own selfish interest, immediate or extended. But the jeev, इंद्रतृप्ति के लिए काम करने का आदि है। इंद्रतृप्ति के लिए काम करने का उनका स्वभाव है बद्ध जीव का। अपने स्वार्थ के सिवा बद्ध जीव कोई काम नहीं कर सकता है। कुछ ना कुछ स्वार्थ होना ही चाहिए तभी कुछ करेगा वो सेल्फिश इंटरेस्ट चाहे इमीडिएट हो चाहे एक्सटेंडेड हो। कभी कभी स्वार्थ दिखता है एकदम सामने है, कभी दिखता नहीं, स्वार्थ छुपा हुआ है सूक्ष्म रूप में, एक्सटेंडेड स्वार्थ है। लेकिन स्वार्थ के बिना बद्ध जीव कोई कार्य करने को तैयार नहीं होता है। इसलिए ईशोपनिषद ऐसे लोगों को शिक्षा देती है कि क्या कर्म करना है और कैसे करना है। An ordinary man works for his own sense enjoyment, and when this principle of sense enjoyment extended to include his society, nation, and humanity in general, it assumes various attractive names such as altruism, socialism, communism, nationalism, and humanitarianism. These isms are certainly very attractive forms of karma bandhan, karmic bondage. But the Vedic instruction of Sri Ishopanishad is that if one actually wants to live for any of the above ism, he should make them God-centered. तो फिर से समझने का प्रयास करते हैं प्रभुपाद क्या बोल रहे थे। प्रभुपाद बोलते हैं कि सब जीव अपने इंद्र तृप्ति के लिए ही काम करना चाहता है, स्वार्थ के लिए करना चाहता है। इंद्र तृप्ति के अलावा स्वार्थ के बिना कर्म नहीं करना चाहता है और इन स्वार्थ के कर्मों को अलग अलग नाम देता है। वो स्वार्थ दो प्रकार का, एक तो इमीडिएट है और एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड मतलब विस्तृत स्वार्थ। तो विस्तृत स्वार्थ क्या है, जिसमें अपना इंद्र तृप्ति खाली जुड़ा रहता है वो इमीडिएट स्वार्थ है, तात्क्षणिक स्वार्थ, तात्कालिक स्वार्थ। और जिसमें समाज की इंद्र तृप्ति की बातें होती है, राष्ट्र की इंद्र तृप्ति की बातें होती है, पूरे मानवता की इंद्र तृप्ति की बातें होती है, तो वो हो गया एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस, विस्तृत स्वार्थ। एक व्यक्तिगत स्वार्थ है अपनी इंद्रियों को खाली तृप्त करना, और विस्तृत स्वार्थ है। विस्तृत स्वार्थ हमें समझना है, विस्तृत स्वार्थ क्या है, हम समाज का कल्याण करना चाहते हैं। कैसे कल्याण करना चाहते हैं, उनको हरिनाम और गीता दे के नहीं, हम उनका कल्याण करना चाहते हैं, उनका इकोनॉमिक डेवलप करना चाहते हैं, उनका फाइनेंशियल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम उनका हेल्थ का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उनका एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं। ये जो सेवाएं हैं ये सब भौतिक स्तर पे हैं और ये उन सब का इंद्र तृप्ति में और बढ़ावा देना है ताकि वो अच्छे से इंद्र तृप्ति कर सकें। उनको हेल्थ अच्छा होगा तो अच्छा इंद्र तृप्ति कर पाएंगे, एजुकेशन अच्छा होगा तो अच्छा इंद्र तृप्ति कर पाएंगे,
फूड अगर मिलेगा तो अच्छा निर्भुक्त पाएंगे। तो जब भगवत चेतना विहीन केवल समाज सेवा होगी, राष्ट्र सेवा होगी, मानव सेवा होगी, तो उसको कहते हैं विस्तृत इंद्रिय तृप्ति, एक्सटेंडेड सेंस एंजॉयमेंट। और जब पर्सनल लेवल पे होता है उसको कहते हैं व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति, व्यक्तिगत स्वार्थ। अब ये जो विस्तृत इंद्रिय तृप्ति है उनके अच्छे अच्छे नाम दिए जाते हैं, अल्ट्रुइज्म मतलब जन कल्याण, सोशलिज्म मतलब समाजवाद समाज सेवा, कम्युनिज्म मतलब साम्यवाद सबकी सेवा, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद राष्ट्र की सेवा, ह्यूमैनिटेरियनिज्म मानवतावाद व मानव सेवा। तो जितने भी वाद है, इजम्स, इजम मतलब वाद, समाजवाद राष्ट्रवाद साम्यवाद, जितने भी वाद है वो सब मटेरियल है, सब कर्म के बंधन वाले हैं, सब में कर्म के बंधन पड़ने वाले हैं और जन्म मृत्यु का चक्र बनने वाले। तो कर्म बंधन के अलग अलग एट्रैक्टिव फॉर्म्स हैं। तो कर्म बंधन के एट्रैक्टिव फॉर्म्स हैं ये अल्ट्रुइज्म, समाजवाद राष्ट्रवाद, देशभक्ति समाज भक्ति, जन कल्याण सेवा, ये कर्म बंधन के एट्रैक्टिव फॉर्म्स, एट्रैक्टिव फॉर्म्स बता रहे प्रभुपाद। और इन्हीं कर्मों को अगर गॉड सेंटर्ड करेंगे, कृष्ण को बीच में रख के अगर करेंगे तो फिर एक कर्म बंधन नहीं होगा, अकर्म बन जाएगा और हमको कर्म से छुटकारा दिला देगा। तो गॉड सेंटर्ड कैसे करेंगे, जब जन कल्याण करना चाहते हैं, जन को अगर खाना वितरण करते हैं तो उसको प्रसाद वितरण करिए, समाज सेवा करना चाहते तो समाज में कीर्तन करवाइए, हाँ भागवत गीता का पाठ करवाना है, और राष्ट्र सेवा सब चीजों के बीच में अगर गॉड सेंटर्ड करके करेंगे, कृष्ण का प्रसाद वितरण करना है और कृष्ण के ज्ञान देना कृष्ण के बारे में भगवत गीता और भागवतम से, ये सब अगर करेंगे तो वो आध्यात्मिक बन जाएंगे और बंधन नहीं होगा। और ये भगवत केंद्रित जो सेवाएं हैं वो इतनी अच्छी होती है कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा अगर सेवा कर लेता है तो निश्चित है, गारंटी है कि जन्म मृत्यु के चक्र से वो मुक्त हो जाएगा, आज या कल कभी ना कभी मुक्त हो जाएगा। 84 लाख योनि से मुक्त हो जाएगा। तो मनुष्य को ये बहुत बड़ा मौका मिला है इस कर्म बंधन से छूटने का, 84 लाख योनि से छूटने का। अगर ये मौका वो नहीं उठाता है तो बहुत बड़ा मिसफॉर्चून, अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्य है अगर वो इसको फायदा नहीं उठाता है। कॉन्सिक्वेंटली श्री उपनिषद एडवाइज अस टू एग्जर्ट अवर एनर्जी इन द स्पिरिट ऑफ इष्टावासी। तो इस उपनिषद हमें शिक्षा देती है कि हमारी समस्त शक्तियों को हमें लगा देना चाहिए ईशावास प्रिंसिपल के लिए। अगर हमें 100 साल जीने की अगर इच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जीते रहो, लेकिन ईशावास प्रिंसिपल से जियो ताकि बाद में बहुत पछताना नहीं पड़े, यमराज के कोड़े नहीं खाने पड़े, इसलिए ईशावास प्रिंसिपल से जीना होगा। बाकी लॉन्ग लाइफ जीने का कोई फायदा नहीं है, पेड़ भी हजारों साल जीता है लेकिन ऐसा जीना कोई माने नहीं रखता है।
living a long time like trees, or breathing like bellows, or begetting children like dogs and hogs, or eating like camels, यहाँ ये कोई फायदा नहीं है इस तरह से जीने का, बता रहे हैं. लेकिन गॉड हम्बल गॉड सेंटर लाइफ इज मच मोर वैल्यूएबल देन कॉलोजल हॉक्स ऑफ अ लाइफ डेडिकेटेड टू गॉडलेस अल्ट्रुइज्म सोशलिज्म. तो साधारण सिंपल भगवत केंद्रित जीवन बहुत ऊंचा है, और तथाकथित बहुत ऊंचा हाई इमेज वाला जो समाजवाद और राष्ट्रवाद में फंसा हुआ भगवत विहीन जीवन से ये जीवन बहुत ऊंचा है. जब ये समाज सेवाओं को ईशावास्य प्रिंसिपल से करते हैं और भगवत केंद्रित करके करते हैं, तो ये इनको नाम मिल जाता है कर्मयोग. कर्मयोग कहलाती है वो सेवाएं, और कर्मयोग से धीरे धीरे हम बच जाते हैं. और कर्मयोग में जो कोई भी एक्टिविटी है अगर आधे भी की जाए, पूरी नहीं होती है, तो भी अगले जीवन में वहां नया से शुरू होगा. तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये हमारी सारी एक्टिविटीज को, कर्मों को कैसे भगवत केंद्रित करके करना चाहिए, उसकी शिक्षा भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत सुंदर दी हुई है. और ये भक्ति रसामृत सिंधु को प्रभुपाद जी ने संक्षेप में उनका अनुवाद किया है, जिसका नाम दिया द नेक्टर ऑफ डिवोशन. वो हम सब लोग पढ़ सकते हैं. हरे कृष्ण. नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 3. असुरानाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तास्ते प्रेत्या विगच्छन्ति ये के चात्महनो जना. द किलर ऑफ द सोल, आत्मा को हत्या करने वाला, हुएवर ही मे बी, कोई भी व्यक्ति वो क्यों ना हो, मस्ट एंटर इनटू द प्लैनेट्स नोन एज द वर्ल्ड्स ऑफ द फेथलेस. उसको जरूर जरूर उस लोक में जाना पड़ेगा जो लोग फेथलेस, श्रद्धाहीन, फुल ऑफ डार्कनेस, पूरा अंधेरा और पूरा अज्ञान. तो अज्ञान अंधेरे लोक में उनको जाना पड़ेगा जो आत्मा की हत्या करता है. तो आत्मा की हत्या जो हम लोग जनरली जानते हैं, वो आत्महत्या इधर नहीं कहते हैं. आत्महत्या का अर्थ लिटरली मीनिंग अलग है. हाँ, हम लोग शरीर को कोई मार देता है उसको हम आत्महत्या कहते हैं, और शरीर की हत्या होती है, आत्महत्या नहीं होती. लेकिन यहाँ पर जो आत्महत्या की बताई जा रही है, वो वास्तव में आत्मा को नुकसान पहुंचाना है, आत्मा की हत्या करना है, उसको कहते हैं आत्महत्या. ये कैसे होता है हम आगे समझेंगे. ये श्लोक में देखिए लिखा है, असुर्या नाम ते लोका, वो लोक है जिस लोक को कहते असुर्या नाम. असुर्या नाम का लोक है, आसुरी लोक है. आसुरी लोक कैसा है? अंधेना, वो अंधकार, अंधेरा है वो. और तमसा, पूरा तमस अंधकार से आवृत है. वहां पर प्रेत्या, प्रेत्या मतलब मरने के बाद अभिगंचित में जाएंगे कौन? आत्मा हना, ये के चात्मा हना, जो आत्मा को हनन करने वाला, आत्मा को मारने वाला वहां जाएगा. तो आत्मा को मारने वाला कौन है हम आगे पढ़ते हैं. ह्यूमन लाइफ इज डिस्टिंग्विश्ड from animal life due to its heavy responsibilities. मानव जीवन पशु जीवन से अलग है. क्यों? क्योंकि मानव जीवन का heavy responsibilities है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है मानव जीवन की. पशुओं से मानव जीवन की जिम्मेवारी ज्यादा है.
इसलिए मानव जीवन पशु जीवन से श्रेष्ठ कहा गया। Those who are cognizant of these responsibilities and who work in that spirit are called suras. जो लोग मानव जीवन की जिम्मेवारियों को जानते हैं और जिम्मेवारियों को जानते हैं और उसके हिसाब से कर्म करते हैं उनको कहा जाता है सूरा। सूरा मतलब देवता। And those who are neglectful of these responsibilities or who have no information of them are called asuras, demon. और जो लोग मानव जीवन की जिम्मेवारियों को नहीं जानते हैं वह जीवन मानव जीवन की जिम्मेवारियों की अवहेलना करते हैं उनको कहा जाता है असुरा डेमन असुर। पूरे ब्रह्मांड में दो प्रकार के मनुष्य रहते हैं, एक दैवी मनुष्य देवता गुण वाले और असुर गुण वाले, दैवी और असुर। और देवता वालों के लिए ऋग्वेद में कहा गया है, ऋग्वेद में एक मंत्र है जिसमें कहा गया कि सूरा व देवता हमेशा भगवान विष्णु के चरण कमल का ध्यान करते हैं। मंत्र बहुत लोग जानते होंगे, ओम तद विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरया दिवे वाचक्षुरादतं तद विप्राश विपन्नवो जाग्रिवागं स शमिन्दते विष्णु परमं पदं। ये जो मंत्र है ऋग्वेद का मंत्र है जिसमें कहा गया कि देवता लोग हमेशा विष्णु का ध्यान करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि मानव शरीर बहुत बहुत जन्मों के बाद मिला हुआ है और ये भौतिक जीवन एक सागर के साथ इसकी तुलना हुई है। भौतिक संसार एक सागर है, संसार एक सागर है और मानव शरीर एक नाव है। ह्यूमन बॉडी इज कंपेयर टू अ सॉलिड बोट। सॉलिड बोट है मतलब बहुत सॉलिड, बहुत शक्तिशाली नौका है जो टूटने वाली नहीं है, सॉलिड है और डिजाइंड स्पेशली टू क्रॉस दिस ओशन। जो मानव शरीर की जो नाव है ये नाव को भवसागर को पार करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसका पर्पस ही यही है ये नाव का कि भवसागर से हमें पार ले जाएगा, तो डिजाइन्ड स्पेशली टू क्रॉस दिस ओशन, भवसागर को पार करने का डिजाइन किया गया है। और द वैदिक स्क्रिप्चर्स एंड आचार्यज आर इंसेंटली टीचर्स आर कंपेयर टू एक्सपर्ट बोटमैन। और गुरु गुरु आचार्य शिक्षक शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु आचार्य ये कौन है? ये बोटमैन है जो हमारे नाव को चला रहे हैं, नाव को चला के ले जाएंगे। और फैसिलिटीज ऑफ ह्यूमन बॉडी मानव शरीर के साथ से जो सुविधाएं मिली है वो क्या है? फेवरेबल विंड अनुकूल वायु। तो अब ये पूरी तुलना की गई है कि ये भव सागर संसार एक सागर है, मानव शरीर एक नाव है जिसको स्पेशली डिजाइन किया गया है कि सागर को पार करने में ये बॉडी काम में आता है, ये बॉडी सागर को पार करने में काम आता है। और जो गुरु मिले हैं वो हमारे नाव को चलाने वाले गुरु हैं, कर्णधार हैं। और जो फैसिलिटीज हमें मिलके रखी है वो फैसिलिटीज क्या है? वो भगवान की तरफ से आया हुआ अनुकूल हवा है। अनुकूल हवा में बोट और अच्छे से चलती है। तो इतना कुछ फैसिलिटी मिलने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति भव सागर को पार करने का प्रयास नहीं कर रहा है तो वो क्या है वो आगे बताएंगे। इफ With all these facilities, a human being does not fully utilize his life for self-realization,
ही मस्ट बी कंसिडर्ड आत्मा हाँ अ किलर ऑफ द सोल। तो आत्मा को हत्या करने वाला कौन है अभी पता चल गया आपको? हाँ, आप लोग सोचते हैं कि फलाना आदमी आत्महत्या कर लिया, वो आत्महत्या कर लिया, लेकिन आत्महत्या और कोई नहीं, हम लोग आत्महत्या कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ये इस तरह से, अगर मानव शरीर मिलने के बाद भव सागर को पार करने का प्रयास नहीं करते तो हम आत्महत्या करने वाले हैं। तो इसका बहुत सुंदर श्लोक है भागवत में, जिसका अनुवाद प्रभुपाद जी ने दिया इधर। नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मये वीतं नभस्येरितं उमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। तो नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, नृदेह मानव शरीर, नर शरीर, सुदुर्लभम बहुत दुर्लभ है, प्लवम सुकल्पम, ये प्लवम मतलब नाव है, सुकल्पम मतलब स्पेशली डिजाइन किया हुआ है, गुरु कर्णधारम, गुरु कर्णधार है, बोट है, ये सब कुछ होने के बाद भी जो उमान भवाब्धिम, जो व्यक्ति ये भव सागर को न तरेत नहीं तरता है, स आत्मा वो आत्म को हत्या करने वाला है। तो इस श्लोक में, इस उपनिषद में 3 नंबर श्लोक में बताते हैं कि जो लोग मानव शरीर प्राप्त करने के बाद अच्छे कर्म नहीं करते हैं, भगवत धाम जाने का प्रयास नहीं करते हैं, वो आत्महत्या करने वाले हैं। श्री उपनिषद वांस इन क्लियर टर्म्स दैट द किलर ऑफ द सोल इज डेस्टिन्ड to enter into darkest region of ignorance, to suffer perpetually, जो व्यक्ति आत्मा की हत्या करेगा उसको असुर लोक में, अंधकार तमस लोक में जाना होगा। The human being is given all facilities for a comfortable life by the laws of nature, because the human form of life is more important and valuable than animal life. Wise men given a better life than that of swine and other animals. तो मानव शरीर को, मनुष्य को पशुओं से better facility क्यों दिया गया है? आप common sense से समझ सकते हैं कि दूसरे पशुओं से मनुष्यों के पास facility ज्यादा है, comfort ज्यादा है, बुद्धि ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है, क्यों? प्रभुपाद कहते वाह, क्यों? उनका उदाहरण देके बताया जा रहा है। Why is a highly placed government servant given better facilities than those of an ordinary clerk? एक government का जो उच्च अधिकारी है उसको एक जो कारकुन है, clerk है, उससे ज्यादा facility क्यों मिलता है? अब कोई कभी कभी सवाल उठता है कि अरे ऑफिसर तो खाली बैठे रहते हैं, खाली ऑर्डर देते, कुछ काम ही नहीं करते, लेकिन क्लर्क कितना मेहनत करता है, कितना मेहनत करता है, कितना मेहनत, फिर भी उसकी सैलरी क्यों कम है ऑफिसर से, उच्च अधिकारी से? बताइए क्यों उनकी सैलरी कम क्यों है? और उच्च अधिकारी ज़्यादा मेहनत नहीं करता है, उसका ड्यूटी ओवर्स भी कम है, फिर भी उनकी सैलरी ज़्यादा है, फैसिलिटी ज़्यादा है, गाड़ी आती है उसके लिए, उसको बंगलो दिया गया है, सैलरी ज़्यादा है, और क्लर्क को कुछ नहीं। तो उसका बहुत सिंपल आंसर है, द आंसर इज दैट अ हाईली प्लेस्ड ऑफिसर हैज टू डिस्चार्ज ड्यूटीज ऑफ हायर नेचर, क्योंकि जो उच्च अधिकारी है उसका जो ड्यूटी है, कर्तव्य, वो उच्च स्तर का उसका कर्तव्य है, और क्लर्क का जो कर्तव्य वो थोड़ा कम स्तर का है उसका जिम्मेवारी। दोनों को जिम्मेवारी में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में अंतर है। उच्च अधिकारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, उसका जिम्मेवारी ज्यादा है, और क्लर्क की जिम्मेवारी कम है। प्रभुपाद बहुत सिंपल आंसर दिए, बहुत लोग के मन में प्रश्न होता है। सिमिलरली द ड्यूटीज ह्यूमन बींग्स हैव टू परफॉर्म आर हायर देन एनिमल्स,
who are always engaged in simply feeding their hungry stomachs. इसी प्रकार मानव शरीर जिनको मिला है उनका जिम्मेवारी, उनका ड्यूटी हायर है, एनिमल से हायर है। जो एनिमल, जो पशु जानवर अपना खाली पेट भरने में लगे हुए हैं, खाने पीने सोने में मैथुन में लगे हुए, उन पशुओं से मनुष्य की जिम्मेवारी बहुत ऊंचे स्तर की जिम्मेवारी है। खाली इतनी जिम्मेवारी नहीं है खाली खाने पीने की। Yet the modern soul killing civilization has only increased the problem of the hungry stomach. The वर्तमान सभ्यता, modern civilization ने क्या किया है, भूखमारी का problem बढ़ाया है, भूखमारी का problem बढ़ाते जा रहे हैं। When we approach a polished animal in the form of a modern civilized man and ask him to take interest in self-realization, he will say that he simply wants to work to satisfy his stomach and that there is no need of self-realization for hungry man. The Prabhupada bolte ki when we approach a polished animal, मनुष्य क्या है, प्राणी है, लेकिन कैसा प्राणी है, पॉलिश्ड एनिमल है। तो पॉलिश्ड एनिमल मतलब जानवर है, थोड़ा सफाई किया हुआ जानवर है, साफ सफाई किया हुआ जानवर है, दो पांव का जानवर है, पशु है। दो पांव के पशु को जो मॉडर्न सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है उसको जब हम कहते हैं कि थोड़ा आत्मा तत्व के बारे में सोचो, मृत्यु के बाद जीवन है, जीवन के बारे में सोचो, भगवान के बारे में सोचो, वो बोलता नहीं नहीं मुझे टाइम नहीं है, अभी सब लोगों को पहले पेट भरना है, सबको भोजन देना है, भोजन सब सबको खाना नहीं खिलाएंगे तो काम कैसे होगा। तो पहला कर्तव्य सबका पेट भरना, बाद में सेल्फ रिलाइजेशन देखा जाएगा, पेट भरे बिना सेल्फ रिलाइजेशन नहीं होगा। यही उनका हमेशा आर्ग्यूमेंट रहता है, तर्क रहता है कि पहले लोगों का पेट भरना शुरू कर दो। हाँ, आत्म साक्षात्कार बाद में होता रहेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा इल्यूजन है, माया है, ये बहुत बड़ा गलत फहमी है मनुष्यों का कि वो सोच रहे कि पहले पेट भरते रहना चाहिए बाद में आत्म साक्षात्कार। पेट आप चाहे कितना भी भरते रहिए, लेकिन जिनको आत्म साक्षात्कार नहीं करना है वो कितना भी पेट भरिए कभी नहीं करेंगे, और जिनको आत्म साक्षात्कार करना है उनका पेट नहीं भी भरा है तो आत्म साक्षात्कार करेंगे और फिर पेट भी भगवान का भर देंगे। लेकिन आप सोचेंगे पहले सबको हम भूखमरी को हटाएंगे और सबका पेट भर जाएगा, तो पेट भर जाएगा तो सब लोग आपको भी भूल जाएंगे, भगवान को भी भूल जाएंगे और इंद्र तृप्ति में और ज्यादा डूब जाएंगे। तो ये बात शास्त्रों से मिलता नहीं है कि पहले खाली पेट भरा दो बाद में भक्ति होगी, नहीं नहीं, प्रभुपाद इसके फेवर में नहीं है इस पॉइंट के। द लॉज ऑफ नेचर आर सो क्रूअल, हाउएवर डिस्पाइट हिज डिनंसिएशन ऑफ द नीड ऑफ सेल्फ रिलाइजेशन, इज ईगरनेस टू वर्क हार्ड टू फिल हिज स्टमक ऑलवेज थ्रेटन्ड बाय अनएम्प्लॉयमेंट। तो प्रभुपाद कहते हैं कि प्रकृति, कुदरत, माया देवी इतनी क्रूर है, प्रकृति इतनी क्रूर है कि ये लोग आत्म साक्षात्कार नहीं करते पेट भरने के नाम से, और जितना भी पेट भरने के लिए जितना भी मेहनत करते हैं, जितना भी मेहनत करते हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा बना रहता है। अगर वो लोग सोचते हैं कि पेट भरवाना पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है आत्म साक्षात्कार से, तो कई सदियों से तो ये प्रयास चल रहा है लेकिन आज तक अनएम्प्लॉयमेंट तो खत्म हुआ नहीं, तो आप सबका भूख तो मार नहीं पाए। और लेकिन अगर आत्म साक्षात्कार का प्रयास किया जाता तो शायद भूख मारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोग का खाना भी सीमित लिमिट हो जाएगा और लोग बर्बाद अन्य शरीर बर्बाद नहीं करेंगे। वी आर गिवन दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ नॉट टू वर्क हार्ड लाइक एशेस स्वाइन dogs, but to attain the highest perfection of life, if we do not care for self-realization,
The laws of nature force us to work very hard, even though we may not want to do so. हमको मानव शरीर मिला है, ये मानव शरीर प्रभुपाद बहुत स्ट्रॉन्ग है इस श्लोक में, क्योंकि ये श्लोक ही स्ट्रॉन्ग है। श्लोक में लिखा है कि असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, तो प्रभुपाद कहते केवल गधों के जैसे, कुत्तों के जैसे और सुअर के जैसे, गधों के जैसे मेहनत करने के लिए शरीर नहीं मिला है, शरीर मिला आत्म साक्षात्कार करने के लिए। तो गधों जैसे और कुत्तों जैसे मेहनत करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, आत्म साक्षात्कार नहीं होगा उसे। अगर हम आत्म साक्षात्कार नहीं करेंगे तो प्रकृति हमें गधे से काम करवाते रहेगी, करवाते रहेगी। हम नहीं भी करना चाहते तो भी काम करेंगे, क्योंकि हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर रहे हैं। Human beings in this age have been forced to work hard like asses and bullocks that pull cart. आज की सभ्यता में सब मनुष्यों को इतना काम करवा रही है प्रकृति कि बलद के जैसे, बैल के जैसे लोग खट रहे हैं, जिनको गाड़ी में जोता जाता है। इसलिए जो लोग अपना मानव जीवन की ऊंची जिम्मेवारियों को पालन नहीं करेंगे, उनको असुर नाम असुर लोक में जाना होगा और वहां पर अंधेरे में रहना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति भगवत भक्ति में प्रवेश कर जाता है, कर्मयोग में, ईशावासिक में आ जाता है, ईशावासिक प्रिंसिपल को फॉलो करता है, और अगर पूरा नहीं भी कर पाता है तो उसमें कोई लॉस नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं गीता में कहा गया कि ऐसे लोग अगर आधी भक्ति करते तो दोबारा सूचे नाम श्रीमताम के हैं योग भ्रष्टो भी जाया थे, उसको ऊंचे एक ब्राह्मण सत परिवार में जन्म होगा और समृद्धिशाली परिवार में जन्म होगा, जहां से वापस उनको भक्ति करने का मौका मिलेगा। द कंक्लूजन इज दैट एज ह्यूमन बींग्स वी आर मेंट नॉट सिंपली फॉर सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। कंक्लूजन ये है कि मानव जीवन हमें केवल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए नहीं मिला है, हम खाली इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सोल्व करने में लगे हुए हैं, कैसे इकोनॉमी बढ़ाने में लगे हुए, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं, इसके लिए मानव जीवन नहीं मिला है। बट द सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ मटेरियल लाइफ इनटू विच वी हैव बीन प्लेस्ड बाय द लॉ ऑफ नेचर, लेकिन मानव शरीर मिला है भौतिक जीवन के सब प्रकार के प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, जिसके कारण हम इस सागर में गिर गए हुए हैं, उसके लिए मानव जीवन मिला है। तो यहाँ पर इस उपनिषद के श्लोक नंबर 2 और 3 का तात्पर्य समाप्त हुआ।